हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांटसैप। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करेंगे MACD के बारे में। ओके, सो MACD एक इंडिकेटर है जिसके बेस पे जनरली एक ट्रेड सेटअप बनता है और उस पर एक अच्छा वैल्यू मिलता है। MACD बेसिकली है क्या? सो MACD में हम मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस देखते हैं। ओके, और जिधर वो कन्वर्ज होता है तो उस बेस पे हम वहाँ पे एक एंट्री या एग्जिट बनाने का स्ट्रेटजी बनाते हैं। ओके, सो ये जो एंट्री एंड एग्जिट करना रहेगा विद द बेसिस ऑफ MACD, इससे आपको है ना बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है। ओके, दिस ट्रेड्स कैन बी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। ओके, तो आप यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में भी जनरली MACD को देखेंगे तो उस तरह की आपको ट्रेड्स मिलेगी एंड उतना ही टाइम फ्रेम का आपका फिर वो ट्रेड हो सकता है। ओके, तो आइए चलिए, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक क्वांटसैप में साइन अप नहीं किया है तो आई विल पुट अप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, डू साइन अप नाउ एंड जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपको 20 फ्री टूल्स अनलॉक होंगे जो आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेंगे। ओके, एंड जैसे आप करेंगे इधर साइन अप तो यू कैन गो ऑन द लर्न सेक्शन एंड वीडियो लाइब्रेरी पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूल ऑफ वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको मल्टीपल वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन किया गया है मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के बारे में एंड अबाउट द प्रो प्लस टूल्स। ओके, जो ये पर्टिकुलर वीडियोस है ये आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी मिल जाएगी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जो भी आपका प्रेफरेंस है यू कैन सेलेक्ट द लैंग्वेज। ओके, एंड अभी आपने लेक्चर से कि ये सब करने के बाद अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है, कोई भी तरह का क्वेश्चंस है तो यू कैन गो ऑन द सपोर्ट सेक्शन हियर, यू कैन गो ऑन द सपोर्ट सेक्शन हियर एंड यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है एंड द फोन नंबर है तो उस पर आप आके कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं एंड वील ट्राई टू हेल्प यू आउट इन ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ओके, तो आइए चलिए समझते हैं अभी कि MACD है क्या या MACD को कैसे यूज किया जाता है एंड MACD के बेस पे कैसे आप एक ट्रेड सेटअप बना सकते हो। MACD का वैसे हम फुल फॉर्म की बात करें तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ओके, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ MACD। तो यहाँ पे क्या होता है कि मूविंग एवरेज का जो कन्वर्जेंस होता है, यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस यूज होती है। ओके, उसके डिफॉल्ट वैल्यूज है अराउंड 12 एंड 26। आपको चाहिए तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ओके, सो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है 1 MA विल बी ऑफ 12 एंड 1 MA विल बी ऑफ 26। ठीक है, तो ये जो MA 12 है दिस इज कॉल्ड द MACD लाइन। ठीक है, तो ये जो MA 12 रहेगा दिस विल वर्क एज ए MACD लाइन। ओके, और जो ये सेकेंड MA 26 है ये आपका सिग्नल लाइन जैसे काम करेगा। ओके, तो समवॉट आपका इंडिकेटर अगर रहेगा तो वो ऐसा कुछ दिखता है। ओके, लेट्स जस्ट सपोज कि यहाँ पे आपका ये ऐसा मूव होते हैं ये। ओके, सो लेट्स जस्ट सपोज दिस इज MA 12। ओके, एंड अब मैं कलर चेंज करता हूँ एंड यहाँ पे दिस कैन एक्ट एज अ MA 26। ओके, तो ये जो है लेट्स जस्ट सपोज कि जो जीरो लाइन है वो यहाँ पे कहीं है तो ऐसे कुछ होता है। ओके, मूविंग एवरेज के बेस पे वो ऑसिलेट करता रहता है। ओके, सो यहाँ पे अभी आपको ध्यान कहाँ पे देना है। सो जनरली जब भी मूविंग एवरेज यहाँ पे भी डाइवर्ज होती है, कन्वर्ज होती है, दिस विल बी द पॉइंट्स ऑफ योर इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी वो कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे आपके जो है इंपॉर्टेंट मूव्स आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट से कि अगर यहाँ पे अगर आपको एक एंट्री क्रिएट करनी है बुलिश साइड पे या बेरिश साइड पे, सो यहाँ पे ये जो कन्वर्जेंस है यहाँ पे जनरली आप आके एक एंट्री क्रिएट करेंगे। ओके, सो दिस कन्वर्जेंस जो रहेगा यहाँ पे, ये दोनों के बीच के गैप जो रहता है ना उसके ऊपर यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बार्स भी होते हैं। ओके, सो वो आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दोज विल इंडिकेट यू कि यहाँ पे लेट्स जस्ट सपोज इफ द बार्स आर बिग, जो बड़ी बड़ी बार्स है तो वहाँ पे विल एक्सपेक्ट अ बिगर मोमेंटम, वहाँ पे थोड़ी मोमेंटम वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। एंड सिमिलरली जब बार्स यहाँ पे छोटे छोटे बार्स रहेंगे सो दैट इज इंडिकेटिंग यू कि जो यहाँ पे की जो मूव इंडिकेशन हम देख रहे हैं बेरिश या बुलिश साइड, तो वो इंडिकेशन आपको यहाँ पे ये दे रहा है कि जो मोमेंटम है दैट कैन बी अ लिटल स्लोअर देन बिफोर। ओके,
तो यहाँ पे ये MACD का एक सेटअप है। ओके, आइए चलिए इसे हम चार्ट पे आके डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं कि इस पे कैसे हम समझेंगे इसको एंड उसके बेस पे ट्रेड पे एंट्री कब लेंगे। गो ऑन द इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स में यहाँ पे आपको मिल जाएगा MACD। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज द MACD। ओके, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे दो लाइंस आप देख रहे हो एंड साथ में आपको वो बार्स भी, हिस्टोग्राम बार्स भी दिख रहे, राइट। सो ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इज वर्किंग एज द MACD लाइन। जैसे मैंने आपको कहा कि इसका मूविंग एवरेज इज 12 एंड जो ये सिग्नल लाइन है ये मूविंग एवरेज इट इज शोइंग यू ऑफ 26। ओके, तो इसकी सेटिंग्स में आप देख सकते हो। ओके, एंड अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यू कैन मेक दी चेंजेस। ओके, अभी जैसे आप देख सकते हो कि जब भी यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में कोई भी तरह का डायरेक्शन या मोमेंटम आया है, लेट्स जस्ट सपोज इवन बेरिश साइड पे आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कन्वर्जेंस आप देख सकते हो। ओके, वेट, आई जस्ट क्लियर। राइट, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने, देखिए क्या हुआ है कि ये जो अपना MACD लाइन है इट इज क्रॉसिंग द सिग्नल लाइन। ओके, और जैसे ही यहाँ पे ये कन्वर्जेंस हम देखे हैं वहां से आप देख सकते हो कि यहाँ पे से एक बेरिश ट्रेंड का इंडिकेशन हमने देखा है एंड वहां से आप देख सकते हो कि एक डाउनवर्ड साइड की एक ट्रेंड आई है जो कि आप देख सकते हो MACD में भी आप उसको देख सकते हो, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक कन्वर्जेंस आप देख सकते हो बेरिश साइड में। सिमिलरली आप देख सकते हो कि लोअर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए एक कन्वर्जेंस हमने देखा है लोअर साइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यू वुड हैव गॉटन एन एंट्री जो एक थोड़ा अप साइड पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग का जो इंडिकेशन दे रहा था, एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे एक एंट्री मिल जाती थी, राइट। सो ये जो चीज है यहाँ पे MACD का एक रूल है, यहाँ पे ये है कि जो जीरो लाइन है ना, जीरो जीरो लाइन के जनरली नीचे की तरफ अगर कोई आ रहा है ना एंट्री, सो दैट विल बी फॉर द बुलिश साइड ओनली। तो जनरली जीरो लाइन के नीचे अगर आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है ऐसा, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस दिस दिस, ओके, तो जितने भी जीरो लाइन के नीचे डाइवर्जेंस आपको दिख रहे हैं तो ये सारे डाइवर्जेंस को आप यहाँ पे एक बुलिश साइड पे ही एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, इसमें आप बुलिश ट्रेड्स जनरली प्रेफर करेंगे। अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक एन एडिशनल कन्फर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड जो टूल है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो वो भी इंडिकेटर यहाँ पे आपको ये इंडिकेट करते हैं कि किस तरह का ट्रेंड है। तो यू कैन सी कि बेसिकली ग्रीन जब दिखा रहा है तो इट इज़ इंडिकेटिंग यू एन अ बुलिश ट्रेंड एंड सिमिलरली रेड बता रहा है तो इट इज़ इंडिकेटिंग यू एज अ बेरिश ट्रेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि बेरिश से एक बुलिश ट्रेंड की तरफ एक डायरेक्शन आया था एंड साथ में हमने एक कन्वर्जेंस देखा था यहाँ पे कि वो डाइवर्ज होते हुए यहाँ पे हुआ है एंड इवेंचुअली आप देख सकते हो कि वहाँ से थोड़ा एक हमने अप मूव इंक्रीज होते हुए देखा है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है कि MACD के बेस पे अगर आप बुलिश या बेरिश एंट्री बना रहे हो, इवन इन स्टॉक्स या इवन इन द इंडेक्सेस, इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, जब भी आप MACD यूज़ करेंगे यू कैन जस्ट सिलेक्ट कि यहाँ पे वो अगर जीरो के नीचे है तो यू कैन गो फॉर अ बुलिश एंट्री, यू कैन टेक अ कंफर्मेशन ऑफ द सुपर ट्रेंड एंड सिमिलरली जीरो के ऊपर की तरफ अगर आपको कन्वर्जेंस दिख रहा है तो दैट विल बी फॉर द बेरिश डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेरिश डायरेक्शन के लिए था, अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बेरिश कर्व का यहाँ पे हमने देखा था, राइट। सो जितनी बार भी आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पे ये चीज़ इधर इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन कौन सा आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बेस पे आप यहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हो। तो आपकी एंट्री पॉइंट क्या रहेगी? सो एंट्री पॉइंट विल बी कि जैसे ही आपने ये पहले कन्वर्जेंस ऑब्जर्व किया है तो वहाँ से आपको अगर लेट जस्ट सपोज कि कोई एक अच्छी कैंडल दिख रही है, लेट जस्ट से कि एक मारुबोजू और एल्स एक बुलिश एनगल्फिंग अगर आप अच्छे से देख रहे हो, ओके, और एल्स सिमिलरली बेरिश साइड पे आप बेरिश एनगल्फिंग देख रहे हो या एक रेड कैंडल देख रहे हो, सो उसके बेस पे आप यहाँ पे एंट्री एग्जिट ले सकते हो। द हाई ऑफ द कैंडल विल बी द एंट्री एंड स्टॉप लॉस विल बी द स्विंग लो जो रिसेंट आप रख सकते हो एंड टारगेट आपको यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें
तो जनरली यहाँ पे यू विल गेट अराउंड 1:2, 1:3 जितना एक बेसिक रिस्क टू रिवॉर्ड रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि जनरली ये जो स्ट्रेटेजी है यहाँ पे क्या होता है कि मूविंग एवरेजेस जैसे ही रिवर्स करती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जब भी वहाँ पे एक मोमेंटम की जो रिवर्सल आती है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सो आपको अगर एग्जिट लेना है तो यू कैन टेक अ एग्जिट ऑन द नेक्स्ट कन्वर्जेंस ऑल्सो। ओके, सो विल टेक एन एग्जाम्पल इन अ स्टॉक ऑल्सो। जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस का मैंने चार्ट लगाया है। ओके, सो यू कैन सी बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर आ रहा होगा व्यू। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम एक कन्वर्जेंस देख रहे हैं। अगेन द एमएसीडी लाइन इज क्रॉसिंग द सिग्नल लाइन, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि द बार्स इज ऑल्सो बिग। तो यहाँ पे ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि जो यहाँ पे हम एक रिवर्सल देख रहे हैं ऊपर से लेके वो जीरो से ऊपर है, तो ऑन द अपर साइड ऑफ द जीरो तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बेरिश साइड की एंट्री बन रही है। ओके, एंड बेरिश साइड की एंट्री के साथ साथ आप देख सकते हो कि सुपर ट्रेंड में भी एक कन्फर्मेशन आया कि ये जो अप मूव के बाद अभी एक डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो राइट, तो यहाँ पे आप एक एंट्री क्रिएट कर सकते थे, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपको लेट जस्ट सपोज एक अच्छी रेड कैंडल दिख रही है। इवन यहाँ पे हमने MA50 लगाया है, तो MA50 को क्लोज करते हुए भी एक रेड कैंडल हम देख सकते हैं। तो दैट कैन बी योर पॉइंट ऑफ एंट्री, उसके बेस पे आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो। एंड जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ से एक डाउनवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि MACD का जो पर्टिकुलर वर्किंग है वो ज़्यादातर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही ज़्यादा अच्छा वर्क करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उसका जो वर्किंग है जनरली इट गोज फॉर दी ट्रेंड मार्केट ओनली। साइडवेज मार्केट में भी आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, बट जनरली यू कैन गेट ट्रैप्ड देयर, सो बी अवेयर ऑफ दैट। और उसके ही बेस पे आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही कोई ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो यहाँ पे आप देखिए मोमेंटम भी अच्छी खासी मिलती है। एंड यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिवर्सल की भी इंडिकेशन हम देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंस हुआ है, यहाँ पे बार्स भी एक अच्छी डिसेंट दिख रही है, एंड द ट्रेंड इज ऑल्सो रिवर्सिंग। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक MA को भी क्रॉस करते हुए ग्रीन कैंडल क्लोज कर रही है, सो दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट ऑफ रिवर्सल। जो हमने यहाँ पे बेरिश ट्रेड देखा था वो यहाँ से हम एक रिवर्सल ट्रेड भी यहाँ पे देख सकते हैं, एटलीस्ट टू द रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल एटलीस्ट। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन प्लेस इट इन द कमेंट्स। Thank you.